नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश में 1956 के पहले विंध्य प्रदेश का अस्तित्व हुआ करता था। विंध्य प्रदेश यानी विंध्य का क्षेत्र और बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र इस अलग राज्य के तौर पर जाना जाता था, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो बुंदेलखंड का काफी हिस्सा उत्तर प्रदेश में चला गया और इस हिस्से को विंध्य प्रदेश से काट दिया गया। अब एक बार फिर विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन की मांग होने लगी है। छोटे राज्यों के निर्माण की कोशिशें कर रही सरकारों से विंध्य प्रदेश का गठन करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर एक जन जागृति यात्रा विंध्य प्रदेश पुनरुत्थान मंच के द्वारा निकाली जा रही है। इस यात्रा के कुछ सदस्य छतरपुर पहुंचे और यहां पर अपनी बात रखी। छतरपुर आए विंध्य प्रदेश पुनरुदय संगठन के इन लोगों ने कहा कि छतरपुर ज़िले में बक्सवाहा के जंगलों को काटना भी एक गलत कदम है। उन्होंने कहा कि बक्सवाहा के जंगल बुंदेलखंड का ऑक्सीजन बैंक है। इस संगठन में शामिल लोगों ने कहा कि विंध्य प्रदेश में तमाम संसाधन हैं, लेकिन इसका अलग अलग राज्यों में बंटवारा हो जाने के कारण ठीक ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है और ये इलाका उपेक्षित है। हम लोगों ने विंध्य की बात अभी किया शुक्ला जी ने, और ख़ास तौर से इन्वायरमेंट पर काम करता हूँ मैं। एक अभी करंट टॉपिक बक्सवाहा का है। बक्सवाहा जंगल नहीं है, बक्सवाहा जो है बुंदेलखंड का फेफड़ा है, ऑक्सीजन बैंक है। और अभी कोविड देखा हमने कि कितना महत्व होता है ऑक्सीजन का। यदि उसको हम बर्बाद कर देंगे तो शायद हमारा हीरा पे हमारा श्वास नहीं आएगी, ऑक्सीजन भी आएगी। वो जंगल जो है लगभग 381 हेक्टेयर जंगल काटने की बात हो रही है। लगभग 5 करोड़ लीटर पानी जो जंगल सूखता है अंदर ले जाता है, खदान हीरे की लगेगी वहाँ पे, तो जो उसका इकोसिस्टम है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, आजीविका डिस्टर्ब हो जाएगी, वहाँ की क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये विंध्य प्रदेश का जो हिस्सा है ये सबसे उपेक्षित है, सबसे पीड़ित है, विकास की मुख्यधारा से जुड़ा है। आज जिस क्षेत्र को चंडीगढ़, बम्बई, नागपुर के मुकाबले खड़ा होना चाहिए, आज वो दरिद्र है, दीन है, हीन है। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचे है और ये तभी सुधर सकता है जब विंध्य प्रदेश का गठन हो और हम अपने संसाधनों का उपयोग अपने लिए करें। हाँ, अभी तो हमारा ये प्रारंभिक प्रथम दौरा है। मैं समझता हूँ सन 1956 के बाद ये पहला प्रयास है हम लोगों का कि उन जिलों पर हम लोग अपनी बात को रखें, तो कुछ टीम मिलेगी, कुछ लोग मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे क्या योजनाएँ, जिले स्तर पर हम लोग अपना संगठन खड़ा करेंगे। और सरकार के पास हमारा एक ऑलरेडी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से शासकीय संकल्प 2000 में पारित है। उस प्रस्ताव को देख ले जाकर के हम केंद्र सरकार के सामने देखेंगे कि इस प्रस्ताव का क्या हुआ, क्या गृह मंत्रालय ने इसमें विचार विमर्श किया। अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्हे बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप, क्लास प्ले, नर्सरी, KG 1, KG 2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगी। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, GPS सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने, एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित महाराजा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG 1 और KG 2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड, छतरपुर।